हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक फॉर इन्फो। दिस इज संजय चौधरी। आईआईटी के बारे में एक शायरी है, किसने लिखा है मुझे नहीं मालूम है, बट जिसने भी लिखा है उसको क्रेडिट जाता है इस शायरी का। उस शायरी को मैं पढ़ के बताता हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। शायरी है, भले ही अपने छूट जाए, भले ही अपने छूट जाए, भले ही दोस्त रूठ जाए, आईआईटी के लिए इतनी मेहनत कर दे कि सारे रिकॉर्ड टूट जाए। इतना रिकॉर्ड टूटने के बाद आपको एडमिशन मिलता है टॉप के आईआईटी में, यानी कि आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, ऐसे कॉलेज में, ऐसे आईआईटी में आपको एडमिशन मिलता है इतनी कड़ी मेहनत के बाद। जिसने भी ये सारी लिखी है बिल्कुल सटीक लिखा है। अब इतना मेहनत के बाद अगर आपको जो ब्रांचेज मिली है उस ब्रांचेज में प्लेसमेंट ना मिले तो बहुत बुरा लगता है। इंडियन एक्सप्रेस का एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ ईयर में, यानी लास्ट ईयर में, लगभग 60% बच्चों ने अपने कोर ब्रांचेस को छोड़ के किसी और ब्रांच में प्लेसमेंट लिए हैं। इसके पीछे क्या रीजन है? जैसे कि आपने आईआईटी में एडमिशन ले लिया, आईआईटी बॉम्बे में आपको मिल गया है केमिकल इंजीनियरिंग, लेकिन आपको प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है। अब प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है तो आप प्लेसमेंट के लिए अपनी ब्रांच छोड़ेंगे या अपनी जो कोर ब्रांच है उससे किसी और ब्रांच के लिए फाइट करेंगे कि या तो हमें शिफ्ट कर दिया जाए या तो हम उस ब्रांच के मुताबिक प्लेसमेंट की तैयारी कर लें जिससे हमें एट लीस्ट कोई जॉब अच्छी मिल जाए। तो इस वजह से लोग अपनी ब्रांचेस को स्विच कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं कुछ पॉइंट डिस्कस करूंगा। पॉइंट्स क्या होगा? सबसे पहले है वो कौन कौन सी ब्रांचेज हैं जिसमें लोग शिफ्ट हो रहे हैं। दूसरा है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन होगा इसमें कि ये कहां पर कहां हो रहा है, यानी कि कौन कौन से कॉलेज में हो रहा है, सिर्फ आईआईटी में हो रहा है या किसी और भी कॉलेज में हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन होगा कि और ये कब हुआ, किस ईयर में ऐसा हुआ है, तो बताने वाला हूं। चलिए मैं उस चीजों को डिस्कस करता हूं बिना किसी देरी के। तो लगभग 60% बच्चों ने ऐसा किया है, आईआईटी बॉम्बे के बच्चे ऐसा कर रहे हैं। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। टॉप कॉलेज, सिर्फ टॉप कॉलेज नहीं, आप सोचिए कि टॉप यूनिवर्सिटीज, टॉप आईआईटी कॉलेज जो है वो ऐसा कर रहे हैं, वहां के बच्चे ऐसा कर रहे हैं। जो लोअर ग्रेड के कॉलेज है जिनकी प्लेसमेंट इतनी अच्छी ऑलरेडी नहीं है तो वहां पर तो और भी बेकार स्थिति है। इंजीनियरिंग वाले बच्चों की ये रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी है, इसमें कोई झूठ नहीं है, कोई चीजें ऐसी फेंका नहीं जा रहा है, सब कुछ चीजें अवेलेबल है। आप जाके जो है इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट उठा के देख सकते हैं चीजें, राइट। तो 60% बच्चे ऐसा है जो अपना ट्रेड है उसको चेंज कर रहे हैं या उससे शिफ्ट हो रहे हैं। इसके पीछे का जो रीजन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू की बात करता हूं कि इसके पीछे जो रीजन है वो क्या है। रीजन है कि उनको प्लेसमेंट अपने ब्रांच में नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से उनकी मजबूरी हो जाती है उनको किसी और ब्रांच में जाने के लिए। अगर नहीं जाएंगे तो उनको प्लेसमेंट नहीं मिलेगा और उनको कोई भी ऑफर नहीं मिलेगा, तो वो आईआईटी पढ़ने के बावजूद भी अगर बेरोजगार होंगे तो उनके लिए बहुत ही शर्मिंदगी भरा होता है, राइट। कोई भी बच्चा सोचिए कि आप अगर सोचते हैं कि बंदा पहुंच गया आईआईटी में उसके बाद भी जॉब नहीं पाएगा तो आपके मन में उसके प्रति क्या इमेज बनेगी, ये चीज खुद सोचिए। अगर आप खुद आईआईटी में रहे और आपकी जॉब ना लगे तो आपके ऊपर क्या बीतने वाली है। तो ऐसी स्थिति उनके साथ होती है, तो उनकी मजबूरी होती है, राइट। दूसरा है कि ऐसा कहां कहां होता, मैं बता दिया कि सारे कॉलेज में होता है, सिर्फ आईआईटी में नहीं, एनआईटी में, ट्रिपल आईआईटी में, सीएफटीआई में, इवन प्राइवेट कॉलेज तो है ही, उसमें होते ही है। और जो टीआईआर थर्ड से बिलो है, ठीक है, एकदम गैर गुजरे कॉलेज है जहां पर प्लेसमेंट कंप्यूटर साइंस वालों की भी नहीं है, तो वहां और ब्रांचेस की आप एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं, राइट। अब सवाल ये उठता कि ये कौन कौन से ब्रांचेस को लोग ऐसा कर रहे हैं। तो ये जो ब्रांचेज है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को छोड़ दिया जाए दो ब्रांचेज को, तो लगभग सारे ब्रांचेज में ये चीजें देखने को मिलती है, राइट। क्योंकि लगभग सारे ब्रांचेज में इतनी अच्छी प्लेसमेंट नहीं है, इतना अधिक जो है इंडस्ट्रीज नहीं है जहां पर सारे लोग जाके ऑफर ले सके या सारे लोग जाके जॉब कर सके उस लेवल का, क्योंकि हर एक कंपनी आईआईटीएंस को अफोर्ड नहीं कर सकती है। चाहे वो मैं आईटी कंपनी की ही बात करूं, सारी कंपनियां आईआईटी में जाकर प्लेसमेंट के लिए बच्चों को रिक्रूट नहीं कर सकती है। जो एमएनसीज होती है, जो टॉप की स्टार्टअप्स होते हैं वो जाते हैं, जो लोअर स्टार्टअप होते हैं जिनके पास 100 इंप्लॉइज है, 150 इंप्लॉइज है, 200 इंप्लॉइज है, 50 इंप्लॉइज है, वो लोग आईआईटी में नहीं जाते हैं जनरली। अब मैं बात करता हूं कि ये कब हुआ। 2014 से 2018 के बीच में 60% बच्चों ने ऐसा किया है कि अपनी फील्ड को छोड़कर के, अपनी कोर ब्रांचेस को छोड़कर के किसी और ब्रांच में
किसी और ब्रांच में, वो किसी और क्षेत्र में वो अपनी नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है सोसाइटी पे, यार जो जूनियर बच्चे होंगे वो देखेंगे कि प्लेसमेंट जो है सबसे अच्छा कंप्यूटर साइंस वालों का है, तो वो भी सोचेंगे कि हमें कंप्यूटर साइंस ब्रांच ही लेनी है। बहुत कम लोगों का होता है कि हमें बहुत ज्यादा इस ब्रांच से लगाव है, इस ब्रांच में हमें जो है कुछ रिसर्च करना है, इंटरेस्ट है, बहुत कम होता है। मेन चीज होता है पैसा, पैसा एंड पैसा। तो अगर अच्छा पैकेज मिल रहा है तो वो उसी ब्रांच में जाएंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि इंडिया की ये प्रॉब्लम है इंडिया में कि बच्चों को पैकेज तो चाहिए क्योंकि मजबूरी होती है। अगर नहीं करेंगे, इतना माँ बाप मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं कि भैया हमारा बच्चा जो है IIT बॉम्बे में, IIT दिल्ली में जाके एडमिशन ले, और उसके बाद वहां पढ़ने के बाद भी उनको ऑफर नहीं मिलना अपने कोर ब्रांचेस में, तो शर्मिंदगी बड़ी बात है। अब सवाल ये उठता है कि इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन ये है कि उनको, जो भी बच्चे हैं उनको एक काफी अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, और ऐसे कंपनीज कम से कम, नहीं 100% प्लेसमेंट हो रहा है IIT में, तो कम से कम कुछ तो प्लेसमेंट करवाया जाए जिससे बच्चों के अंदर एक जिज्ञासा हो, एक उम्मीद हो कि हमारा प्लेसमेंट अगर हम अच्छा परफॉर्म करेंगे तो डेफिनेटली होगा। जो अच्छे नहीं परफॉर्मेंस देंगे उनका तो नहीं होगा, जैसी सी बात है। अगर आप लोअर कैटेगरी के कॉलेज ले लें तो वहां पर ऐसे ही होता है, अगर अच्छा परफॉर्मेंस आपके नहीं है तो आपका CSE में भी प्लेसमेंट नहीं होता है। तो सेम चीजें अगर वहां भी चलेंगी अदर ब्रांचेज में, तो चीजें जो कंपटीशन है बढ़ेगा और लोग उसके लिए एफर्ट करेंगे, तो ये जो स्विचिंग है मेरे हिसाब से थोड़ा सा जरूर कम होगा, राइट। इस पे आपकी क्या राय है आप कमेंट करके बताइएगा कि आप इस पे क्या सोचते हैं और क्या करना चाहिए इसके लिए IITs को या गवर्नमेंट्स को। और वीडियो को यहीं पर हम रैप करते हैं, एंड वी विल मीट वेरी सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।